सो ही गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। गाइज देखिए, जैसे मैंने अपने थंबनेल पे लिख रखा था कि 15 प्लस स्टेट्स के हैं अपने पास जो मतलब इनिशियल कट ऑफ गया है, तो सारा का सारा 15 प्लस है। आप बेसिकली देख सकते हो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड गाइज, जैसा वीडियो लगे आपको जरूर बताना है। और भी अगर देखिए डाउट होते थे कि यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्क्रीन शॉट्स भी PDF पे ऐड कर दिए हैं, और ये आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग गाइज जो निकल के आ रही है, वो निकल के ये आ रही है कि SSR पे जो एग्ज़ाम हुए ना, उस पर उन कैंडिडेट्स का जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान से, ठीक है, तो उनका जो मेरिट गया है वो 22.50 गया है, बट अभी नहीं आया है। बट उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा गाइज, मैंने इस वीडियो पर जाके बताया है कुछ देर पहले, अभी नाइट में ही वीडियो अभी भी शूट कर रहा हूँ, 1:30 बजने वाला है, ठीक है, कोई भी नहीं, बट मॉर्निंग पे आपको वीडियो दे दूंगा जितना टाइम उससे बन पाएगा, 5 बजे 6 बजे जितना टाइम हो पाएगा, मैं ज़रूर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, जिससे आपको आगे के लिए हेल्प होगी। गाइज अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, और उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको मेल करना है, मतलब उनको मेल करना है तभी जाके कुछ ऑफिशियल अपडेट आने वाला है, क्योंकि भाई मुझे तो कुछ सीन समझ में नहीं आया क्या किस फंडा रहा, क्या कैसा सीन रहा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट फिट हुए अनफिट हुए, ठीक है, ये सब तो चलो हटाते रहेंगे, पर डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट पर आके। वैसे गाइज अगर बात कर लेते हैं तो जो PDF अपने पूरे पूरे 41 पेजेस की है, 41 पेजेस की, आई थिंक यहाँ पे आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 41 पेज आ रहे हैं ना, ये देखिए 41 पेज, ठीक है, तो 41 पेजेस की, तो वो मैटर नहीं करता सारा, आप देख सकते हो बेसिकली, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट स्टेट थे, मतलब जिन जिन स्टेट्स का मुझे पता चल पाया, उन स्टेट्स का मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। और डोंट वरी अबाउट दिस गाइज, यहाँ पे कोई भी डाटा गलत नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर पहला महाराष्ट्र स्टेट, तो महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ कॉपी, और पहले देखिए हर एक सब्जेक्ट पे दो दो नंबर आपको लाने थे, ठीक है, दो दो नंबर ही केवल हर एक सब्जेक्ट पे लाने थे, केवल केवल दो दो, जैसे कि लास्ट टाइम 5 4 4 नंबर लाने थे, इस बार केवल दो दो नंबर लाने थे, बट जो टोटल जो होता है कट ऑफ जो एग्जैक्ट होता है वो आपको अगर क्रैक करना था तो उस अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आपको नंबर काफ़ी अच्छे खासे लाने थे, ठीक है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का, तो प्रीवियस टाइम से इस बार काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपका कट ऑफ बढ़ गया है, लास्ट टाइम 19 पॉइंट कुछ था, इस बार 25 नंबर यहाँ पे बढ़ गया। नेक्स्ट गए राजस्थान, राजस्थान पे अभी भी मैं डाउट पे हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है, देखिए अगर ये कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं 52 है, तो देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बताने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर 52 भी होता तो एक कैंडिडेट का मैंने उस वीडियो पे दिखाया है कि 52.75 नंबर है, बट उसका भी यही लिख के आ रहा है कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, ड्यू टू लो नंबर्स ऐसा कुछ, ठीक है, जब 53 नंबर पर नहीं लिख के आ रहा है, ठीक है, तो क्या 70 नंबर पर आएगा, पता नहीं क्या सिस्टम है, ठीक है इनका। ये राजस्थान का है, वैसे उनका जो मतलब ऑफिशियल पे आया है वो यही है। नेक्स्ट है MP की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का क्या सीन है, मध्य प्रदेश का कुछ ज़्यादा अच्छा खासा सीन नहीं है, बट नंबर वहाँ पे भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, केवल 26 नंबर वहाँ पे कट ऑफ गया है। अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो आपको 26 नंबर पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और मान लेते हैं ये गाइस इनिशियल कट ऑफ आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, फाइनल मेरिट आपके इसी रिटर्न एग्जाम बेस पे बनती है, बट मान लो अगर 26 है आपके पास 30 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, फाइनल हो, चाहे जो कुछ हो, एयरफोर्स की तरह इस पर मेरिट नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो गाइस 36 नंबर यहाँ की मेरिट गई है, और प्रीवियस टाइम भी इतनी ही मेरिट गई थी, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पर आई थिंक का यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट में हुआ है, और तो कुछ यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलो डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड का कट ऑफ जो लास्ट टाइम का था वो 37.25 था, मे बी गाइस ये डाटा रॉन्ग हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट है, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, पॉइंट जैसे कि 0.75 हो, मैं 0.25 बोलता हूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बेसिकली होते हैं जो कहेंगे भाई आप गलत बता रहे हो, तो गलत वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड तो मैंने वीडियोज़ वगैरह भी आपको बहुत सारे प्रोवाइड्स कराए हैं। सबसे कम त्रिपुरा की गई है, सबसे कम त्रिपुरा की गई है, केवल 8 नंबर कट ऑफ गई है वहाँ की, ठीक है, और इसमें से एक कैंडिडेट था जिसने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया था कि भाई मेरा 1 नंबर से रह गया फिजिक्स पे, क्या भाई पढ़ते हो, मतलब कि आप पढ़ने थोड़ी गए थे, मतलब एग्ज़ाम देने थोड़ी गए थे, मतलब कि ऐसे ही मतलब 8 नंबर नहीं ला पाए हो, हद है, उस बंदे से पूछो जाके जो राजस्थान हरियाणा एंड UP से बैठा 50 नंबर ले आया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, हरियाणा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या करे वो, तो कोई मैटर नहीं करता। चलो नेक्स्ट थिंग उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सभी को पता होगा यूपी का अच्छा खासा मेरिट यहाँ पे गया है, प्रीवियस टाइम भी इतना ही था, प्रीवियस टाइम 41 पॉइंट कुछ था, इस बार 40
2.50 है, ठीक है। यूपी एंड बिहार का तो सेम ही था, लास्ट टाइम सेम था, बट इस टाइम यूपी का थोड़ा सा प्लस हुआ, बिहार का थोड़ा सा माइनस हुआ, मतलब पॉइंट्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर का गेम नहीं हुआ है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा की तो कोई टक्कर यहाँ पे करने वाला नहीं है। आपका एमआर का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं है, वैसे बेसिकली सरकारी रिजल्ट पे शो कर रहा है कि आपका मतलब एमआर का भी रिलीज कर दिया गया है, और उसमें सभी का स्टेटस फेल भी दिखा रहा है, सभी कैंडिडेट्स का स्टेटस है फेल दिखा रहा है, ये नोटिस करना, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो हरियाणा का जो इनिशियल कट ऑफ मतलब कट ऑफ गया वो 57.25 गया है। और बात कर लेते हैं असम, असम स्टेट का भी जो कट ऑफ गया वो केवल 17 नंबर गया, ठीक है। तो हरियाणा और असम का भाई कंपेरिजन मैं करा लेता हूँ, तो 17 3 आई थिंक 51 होता है, अगर मेरी मैथ गलत नहीं है तो 51, और यहाँ पे 57.25, ये बंदा स्टेट मतलब 50 नंबर है इस बंदे के नहीं सेलेक्ट होने वाला, ये 17 पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये भाई कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो आप जो थिंक करते हो आप भी अपना व्यू ज़रूर शेयर करना कि आप क्या थिंक करते हो, आप क्या सोचते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए एयरफोर्स तभी बेस्ट है, तभी एयरफोर्स बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पंजाब का। तो देखिए पंजाब का कुछ कुछ लास्ट टाइम की अगर बात करूँ तो 20.25 था, मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम, बट अभी का बात कर लेते हैं तो पंजाब के यहाँ पे 25.50 पता चला है, ठीक है। इसके बारे में केवल पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मेरा डाटा एग्जैक्ट सही है, क्योंकि मैंने कमेंट से पिक किया था, बाकी सबका मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, ठीक है, स्क्रीनशॉट से लिखा है, बट इसका मैंने कमेंट से पिक किया था, तो मे भी हो सकता है ये एरर हो, हाँ, बट जरूरी नहीं कि इधर हो। मेरे अकॉर्डिंग तो 75% राइट है, बट 25% रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन पंजाब का इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट गाइज केरला, केरला वैसे बहुत अगर एजुकेशन के लेवल की बात कर लें तो बहुत आगे है, बट गाइज यहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा अच्छा खासा नहीं गया है, केरला का भी कट ऑफ 25 नंबर ही गया है। बात कर लेते हैं राजस्थान, मतलब राजस्थान और यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट से यहाँ पे केरला का कट ऑफ कम गया है, ठीक है। वैसे बेसिकली जो होता है फंडा ये स्टेट वाइज इनका वैकेंसी होता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल का भी इस बार प्रीवियस टाइम की अपेक्षा कट ऑफ बढ़ चुका है, डबल SSR का 17 नंबर था लास्ट टाइम, और इस बार यहाँ पे 25 नंबर पहुँच चुका है वैसे इन तीनों का। और दिल्ली का वैसे मैंने लिखा नहीं, बट दिल्ली का भी 28 नंबर आई थिंक है, 28 नंबर, ठीक है। उसमें डाउट था तो मैंने नहीं लिखा, किसी कैंडिडेट ने बताया था बट मैं उसके बारे में श्योर नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, गलत इन्फो देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा का जो कट ऑफ गया वो भी काफ़ी अच्छा खासा चला गया है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, केरला एंड अगर बात कर लेते हैं पंजाब, तीनों स्टेट से ज़्यादा उड़ीसा का कट ऑफ गया है 13.75, मतलब कि 30.75 ये आपका उड़ीसा का कट ऑफ रहा है। नेक्स्ट अगर डिस्कस कर लेते हैं बिहार, तो बिहार का कट ऑफ जो रहेगा 40.25, बिहार का कट ऑफ क्या रहा है 40.25, ये बिहार का कट ऑफ काफ़ी अच्छा खासा है, इस बार भी इंक्रीज हो गया है प्रीवियस टाइम की अपेक्षा। वैसे प्रीवियस टाइम 41.25 था, इस बार एक नंबर पूरा यहाँ पे घट गया है। उसके बाद अगर गाइज और भी अगर आप चेक करना चाहो बेसिकली कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ है, देखिए राजस्थान का यहाँ पे ऐड है, ठीक है। ये देखिए कुछ सीन ही नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो दो नंबर लाने हैं हर एक सेक्शन पे, ठीक है। कोई कैंडिडेट बोल रहा था कि उस पर 8 नंबर लाने लास्ट वाले, भाई 8 नहीं लाने, टोटल इनमें से 8 नंबर होने चाहिए मिनिमम पासिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल है यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे बंदा को ये नहीं होना चाहिए, अगर 31 है ना तो ये नहीं होना चाहिए कि अलॉटमेंट ऑफ 50 सेंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB सेंटर की नहीं हुआ कैंडिडेट का, ये देखिए यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर PFT ड्यू टू लो स्कोरिंग रिटन एग्जामिनेशन। ये बंदा क्या थिंक कर रहा होगा भाई, अपने ऊपर आप थिंक करिए, आप अपने ऊपर इस पोजीशन को रख सकते हो बेसिकली, और थिंक करना कि कैसी सिचुएशन होगी उस कैंडिडेट की, ठीक है। और उसके बाद यही सारा का सारा सब कुछ का प्रोसेस है, और जैसा भी लगा होगा इस वीडियो ज़रूर बताना। मैंने यहाँ पे आप सभी के पॉइंट के लिए, आप सभी के लिए पूरा हर एक स्टेट का कट ऑफ ऑलमोस्ट 15+ स्टेट का कट ऑफ बता दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तेज़ी से बता देता हूँ किस स्टेट का क्या कट ऑफ रहा। महाराष्ट्र 25, राजस्थान 22, मध्य प्रदेश 26, हिमाचल प्रदेश 36, उत्तराखंड 39, त्रिपुरा 8 एंड बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 42, हरियाणा 57, आसाम 17, पंजाब 25, केरला 25, वेस्ट बंगाल 25, उड़ीसा 30, बिहार 40। ये कुछ कट ऑफ रहा है हर एक स्टेट का, आपको 40 पेजेस की PDF यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप बेसिकली इंटरेस्टेड हो तो जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट हरियाणा वालों से मेरा स्पेशल वाला जय हिंद एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू सोल्जर्स। देखिए अभी नहीं हुआ एयरफोर्स पे होगा, एयरफोर्स पे नहीं होगा फिर से वैकेंसी अभी नवंबर पे आएगी, फिर से अच्छी मेहनत करना, ठीक है। बट ये जोश और जज्बा कम मत होने देना, सिलेक्शन तो ये मतलब सिलेक्शन
छोटी सी बात है, क्या नेवी क्या एयरफोर्स, हाँ आप इजीली कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एंड वंस अगेन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, जैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।